राजस्थान से लगते हुए जयपुर तक ये 70 सीट, इसमें 50 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है। हरियाणा की बॉर्डर के ऊपर जितनी लगभग सीटें सारी कांग्रेस जीती है। शेखावटी की जो 34 सीट है उसमें से 29 कांग्रेस पार्टी जीती है, जो शेखावटी बोलते हैं। हमारे जो सिरसा हिसार भिवानी इसके साथ लगती जो बेल्ट है वो शेखावटी बेल्ट बोलते हैं। उसके बाद उसके साथ लगती बेल्ट को अहिरवार बेल्ट बोलते हैं, नारनौल रेवाड़ी, वो वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की अच्छी सीट आई। और उसके बाद नीचे यहाँ पर ब्रिज की कुछ सीटें साथ लगती है और मेवात की कुछ सीटें साथ लगती है। वहाँ भी जो राजस्थान का मेवात और राजस्थान का ब्रिज है उसमें भी कांग्रेस पार्टी की अच्छी सीटें आई। तो हरियाणा के साथ लगते हुए जो पूरा जो है राजस्थान है उसका नक्शा अगर आप देखें तो उस नक्शे से क्लियर हो जाता है, उससे पता चल जाता है। क्लेम व्लेम नहीं है ये जो है, अभी आपको दिखाएंगे हम नक्शा, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी कौन सी सीटें जीती हुई है। हाँ ये जरूर है कि भाई हम मतदाताओं का कोटि कोटि नमन करते हैं कि 4 महत्वपूर्ण प्रदेश देश के उनमें चुनाव हुआ और कांग्रेस की 10 लाख वोट ज़्यादा आई। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, अगर यही मोदी जी के नाम पर लोकसभा लड़ा जाएगा तो इन 4 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा सीट आएंगी, क्योंकि ये तो पहली बार उन्होंने अपने किसी मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं लड़ा, उन्होंने मोदी जी ने खुद के नाम पे चुनाव लड़ने का काम किया। और ये राजस्थान का नक्शा आप देखिए, ये क्लेम देखिए, ये जो ब्लू सीट है वो कांग्रेस की सीट है, और जो आपको जो है ये ऑरेंज कलर की जो सीटें हैं, सैफरन कलर जिसको कहते हैं, वो बीजेपी की सीटें हैं। ये हरियाणा और ये हरियाणा के साथ लगती सारी सीटें जयपुर तक आप देखिए। तो ये हम धन्यवाद करते हैं कहीं ना कहीं जहाँ पे इसी क्षेत्र के अंदर हुड्डा साहब की हमारी ड्यूटी लगी थी और जहाँ जहाँ हम गए लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हर प्रदेश में जैसे मैंने कहा कि परिस्थितियाँ जो होती हैं उस प्रदेश की होती हैं, निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश की जो परिस्थिति है, हरियाणा प्रदेश की परिस्थिति इस सरकार से लोग त्रस्त हैं और बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ लोग देख रहे हैं।